सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के अंदर कम से कम 10 एमबीपीएस का एंड मैक्सिमम दोस्तों यहां पर 1 जीबीपीएस के प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पे अगर प्राइस कॉस्ट की बात करूँ तो मिनिमम 399 का प्लान दोस्तों आपको मिल जाता है, जो कि एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर प्लान होगा। और मैक्सिमम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4000 का प्लान मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर 1 जीबीपीएस के हिसाब से ले सकते हैं। अब जो 399 का प्लान है दोस्तों, इसके अंदर आपको स्पीड कितनी मिलती है, 10 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है, जो कि एक ब्रॉडबैंड प्लान है बेसिकली, ठीक है, बैकअप प्लान आप इसको बोल सकते हो एयरटेल का। और इसके अंदर आपको डाटा अनलिमिटेड मिलता है, कॉलिंग की फैसिलिटी भी मिलती है भाई, और साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको सेटअप बॉक्स भी मिलता है, जिसके अंदर आपको 350 टीवी चैनल्स मिलते हैं, ओटीटी भी मिल जाती हैं। बट एयरटेल का कौन सा ऐसा प्लान है जो एक मिडिल रेंज में आता दोस्तों, ठीक है, एंड जिसके अंदर आपको सारी वो फैसिलिटी मिल जाती हैं, जिसके अंदर मतलब डाटा भी आपको अनलिमिटेड मिलता है, स्पीड भी आपको एक ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है, रीजनेबल सी स्पीड मिल जाती है आप लोगों को, और साथ में आपको चैनल्स मिलते हैं, ओटीटी ऐप मिलती है। एंड दोस्तों रही बात इंस्टॉलेशन की एंड इंस्ट्रूमेंट की, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एयरटेल का कौन सा ये प्लान है जिसके अंदर ये सब हमें बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है एंड इतनी सारे बेनिफिट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, ये है एयरटेल का 699 का प्लान, ठीक है। वैसे तो एयरटेल के अंदर दोस्तों यहाँ पे काफी सारे प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया 399 का है, 499 का है, 599 का भी इनका एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर प्लान है दोस्तों, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट मिलेंगे, बट 699 में और 599 में 100 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे स्पीड के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, बाकी जो अदर बेनिफिट्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट सेम है। अब स्पीड जो अगर आप 599 का प्लान चूज़ कर लेते हो तब आपको 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर के अंदर, और अगर आप 699 का प्लान यहाँ पर चूज़ करते हो तो आपको स्पीड मिल जाएगी 40 एमबीपीएस की, बाकी जो डेटा है, जो ओटीटी ऐप है, चैनल्स हैं, वो सब कुछ आपको सेम मिलेगा। अब जो 699 का प्लान है इसके अंदर अप टू जो 40 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है, साथ में 350 टीवी चैनल्स मिलते हैं, जो कि एचडी चैनल होंगे, फुल एचडी नहीं होंगे, 4K को सपोर्ट करता है इनका जो सेटअप बॉक्स है, बट ये जो चैनल है ये 4K में नहीं देंगे, आपको ओनली एचडी में गुजारा करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर जो ओटीटी ऐप है लाइक डिज्नी प्लस, हॉटस्टार मिल जाती है, 20+ ओटीटी ऐप मिल जाती हैं, ठीक है, एंड एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का आपको पता है भाई अपना एक खुद का ऐप भी है एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के नाम से, तो उसके अंदर भी भाई 11 से 12 ओटीटी ऐप का कंटेंट मिल जाता है, तो ये भी आपको साथ में फ्री मिल जाता है दोस्तों हर कनेक्शंस के अंदर मैक्सिमम। और यहाँ पर दोस्तों रही बात इंस्टॉलेशन की और हमारा जो इसके अंदर डिवाइसेस आता है, आप देखो दो इंस्टॉलेशन वैसे एयरटेल जो है 500 लेता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के अंदर, बट अगर आप यहाँ पर 3 महीने का प्लान, कम से कम 3 महीने का प्लान ले लेते हैं, तो जो इंस्टॉलेशन है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, और जो आपका डिवाइसेस है, राउटर आपको मिल जाता है, आपको एक सेटअप बॉक्स मिल जाता है, साथ में एक छत के ऊपर एक छतरी लगा दी जाती है जो कि एक डीटीएच कनेक्शंस के नाम से जानी जाती है, तो जो जितने भी आपको चैनल्स मिलते हैं 350+ टीवी चैनल मिलते हैं, वो सब के सब चैनल आपके उस डीटीएच कनेक्शन से चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों जियो की तरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रखा है कि जो सेटअप बॉक्स आपको दिया जाता है, लाइक आप ये देख सकते हैं ये जियो का स्मार्ट सेटअप बॉक्स है, 4K एंड्रॉयड है, ठीक है, यानी कि एंड्रॉयड बॉक्स है और 4K को सपोर्ट करता है, तो ऐसा ही सेम टू सेम आपको एयरटेल का भी देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो ये वाला सेटअप बॉक्स है ये टोटली इंटरनेट से चलता है, फाइबर कनेक्शन से चलता है, चाहे इंटरनेट का केबल लगा दो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और चाहे दोस्तों आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दो, तो दोनों ही मोड के अंदर दोस्तों ये चल पड़ता है, और जितने भी आपको चैनल्स मिलते हैं जियो के अंदर, जो भी ओटीटी ऐप मिलती हैं उनको आप जो है इंजॉय कर सकते हो। बट एयरटेल के केस में ऐसा होता नहीं है, एयरटेल के केस में ये सेटअप बॉक्स आपको मिलेगा, बट जो सेटअप बॉक्स है उसके पीछे लैन पोर्ट भी मिलेगा आप लोगों को, और साथ में आपको वाईफाई का कनेक्शन भी मिलता है, बट जो डिस्प्ले आती है आप लोगों की एक्चुअल में वो आती है छतरी के थ्रू दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि वीसी पोर्ट बोलते हैं, जो स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है, छतरी से एक वीसी केबल आती है और वो इस एंड पे आपके सेटअप बॉक्स में लगा दी जाती है, तब दोस्तों आपके जो चैनल्स हैं वो बाय छतरी के चलते हैं। तो अगर आपका इन केस नेट डिसकंटिन्यू हो जाता है, नेट आपका बंद हो जाता है, तो एयरटेल के अंदर ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपका सेटअप बॉक्स प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, आपके जो चैनल्स हैं ना वो सारे के सारे वर्क करते रहेंगे, इसके अलावा जो भी आपने एडिशनल पैकेज लिया होगा वो भी सारा का सारा एज इज वर्क करता रहेगा दोस्तों। अब गाइस यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं स्पीड को लेके, चाहे आप 599 का प्लान ले लो या फिर 699 का प्लान ले लो, बट जो 699 का प्लान है जिसके अंदर 40 एमबीपीएस की स्पीड हमें मिलती है, तो ये जो स्पीड है दोस्तों मोर देन इनफ हो जाती है। अगर एक आप नॉर्मल यूज़र हो, आपके घर में 5 से 6 मेंबर हैं, घर पर टीवी वगैरह आप चलाओगे, 4-5 फ़ोन कनेक्ट करोगे, लैपटॉप कनेक्ट करोगे, तो अच्छे से आपका जो काम है यहाँ पर चलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर चैनल आपको एक्चुअली मिलते कौन कौन से हैं,
तो देखो ये चैनल्स में आपको यहाँ पे तो इन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर चैनल की ये लिस्ट दे दे कि हम आपको बता सके, बट ये जो चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं 350, तो ये वही चैनल्स हैं जो आपको 399 के प्लान के अंदर देखने को मिलते हैं। जो 399 का बेसिक प्लान है, ठीक है, बैकअप प्लान है, उसके अंदर भी सेम ये 350 टीवी चैनल आपको प्रोवाइड करते हैं, बट उसके अंदर जो टीवी चैनल्स हैं ना वो ओनली एचडी मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है, उसमें कोई भी एचडी चैनल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो 350 लाइव टीवी चैनल आपको मिलते हैं कि एक झलक मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कौन कौन से चैनल्स आपको मिल जाते हैं, तो उसे आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर किसी के पास 699 का प्लान इंस्टॉल होगा, पहले से उसने कनेक्शन लिया होगा, तो वहाँ से भी आप उसके फ़ोन से एयरटेल थैंक्स ऐप से पता लगा सकते हैं कि उसके पास कौन कौन से चैनल जो है यहाँ पर वर्किंग है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इनके जितने भी चैनल्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लूँ एंड वो आपको एक्सेल की शीट में प्रोवाइड करके। तो यहाँ पर दोस्तों जो एयरटेल का 699 का प्लान है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लान हो जाता है, एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको हर वो फैसिलिटी मिल जाती है, लाइक आपका अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिल जाती है, अनलिमिटेड डाटा आप लोगों को मिल रहा है इसके अंदर, 20+ OTT ऐप मिल रही है, 350+ लाइव टीवी चैनल्स मिल रहे हैं, 40 MBPS की आपको वाईफाई की स्पीड मिल जाती है, और दोस्तों एयरटेल के अंदर जो स्पीड है हमेशा अप रहेगी, आपकी डाउन नहीं होती है। जो फाइबर कनेक्शंस हैं अगर आपने 40 MBPS का प्लान लिया है तो आपको जो स्पीड है दोस्तों कम से कम 50 MBPS की या फिर 45 MBPS की जो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड है वो आपको डेडिकेटली मिलती रहेगी, बट जियो के अंदर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो स्पीड है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बट एयरटेल इस स्पीड के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर दोस्तों एयरटेल इस चीज़ में विनर है दोस्तों। अब दोस्तों जो 699 का प्लान है एयरटेल का, इसको आप कैसे बुक कर सकते हैं? अगर आप बुक करना चाहते हैं तो बुक करने के लिए दोस्तों आपको जो है एयरटेल की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्लान चूज करना है, प्लान चूज करने के साथ में लिखा होगा कि बाय नाउ, बाय नाउ पे क्लिक करते हो दोस्तों तो वहाँ पे आपसे 3 से 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपके घर का एड्रेस या फिर जहाँ पे भी आप लगवाना चाहते हैं उसका एक एड्रेस देना है आप लोगों को, डेडिकेटली एक प्रॉपर एड्रेस देना जो मैप के अंदर प्रॉपर अवेलेबल हो, ताकि वहाँ पर जो भी एयरटेल का एग्जीक्यूटिव जो आए वहाँ पे प्रॉपर सर्वे हो जाए और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उनको मिल जाए। तो वो लोकेशन आपको वहाँ पे देनी है, प्रॉपर एड्रेस डाल देना, जो भी नियर अबाउट आपका लैंडमार्क होगा वो आपको डाल देना है, तो आपका प्लान है वहाँ पे बुक हो जाएगा दोस्तों। और बुक होने के साथ साथ ही आपको जो एयरटेल एग्जीक्यूटिव कॉल कर लेंगे, कॉल करने के बाद आप उनको जो है अपनी लोकेशन वगैरह बता सकते हैं, वो छोटा सा सर्वे करेंगे, सर्वे करने के साथ साथ आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, पेमेंट लेंगे और प्लान को रीशेड्यूल और प्लान को शेड्यूल कर दें कब इंस्टॉल होना है कब इंस्टॉल नहीं होना है, एंड आपका प्लान उस दिन इंस्टॉल होने के बाद जो है एक्टिव कर दिया जाता है दोस्तों। तो गाइज ये थी एयरटेल के 699 के प्लान के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।